हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा। मैं आज आपके साथ एक फेस मास्क शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स, और ये है फेस मास्क एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए। और अभी फेस्टिवल सीजन चल रहा है, तो बहुत ही कम बेसिस पर मैंने इसमें मास्क में छोटी थोड़ी सी चीज़ें मिलाई हैं, और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये पैक। इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं लगना है फ्रेंड्स, आप लोग इसको आराम से बना सकते हो, और आपके घर में ही ये इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे। दो ही चीज़ों के साथ बनाना है। तो अगर ये थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है आपको ये वीडियो, तो प्लीज़ लाइक करिएगा और मेक श्योर शेयर जरूर कर लीजिएगा फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि एक्ने और जो स्कार्स होते हैं बहुत से लोगों को होते हैं। तो आप लोगों को ये मास्क ज़रूर शेयर करना चाहिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप लोगों को अच्छा लगे ये वीडियो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन आएगा, बेल आइकन ज़रूर हिट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज बताइए आपको मैं कैसी लग रही हूँ। और मैंने उस पैक को आपको डेली लगाना है फ्रेंड्स, और अभी से आप यूज़ करोगे ना तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा फ्रेंड्स। और जितने भी आपके हल्के फुल्के जैसे शुरू हो रहे हैं, सही होना भी ठीक होना भी हो रहा है, अगर वो सही भी होने लग गए हैं तो बिल्कुल भी इसके जो स्पॉट्स होते हैं, निशान वगैरह जो रह जाते हैं, जिद्दी दाग जो होते हैं, वो भी इससे बिल्कुल कम हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो आप इस चीज़ को ज़रूर लगाइए और बनाना ज़रूर है इस चीज़ को, और फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा काम करता है फ्रेंड्स ये, तो आप इस चीज़ को ज़रूर लगाइए। तो चलिए फटाफट से देख लीजिए कि मैंने इसमें किस तरह की चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें मिलाई हैं और किस तरह से इसको बनाना है। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के ऊपर ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो दिवाली बहुत टाइम है दिवाली को, और अभी से आप यूज़ करेंगे तो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा फ्रेंड्स। तो चलिए फटाफट से, ज़्यादा देर नहीं करते हैं, देख लीजिए आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ फेस मास्क, और मैंने लिया है 1 स्पून। ये 1 स्पून से कम होगा, हनी है ये, और एक्ने के लिए ये बनाने जा रही हूँ मैं मास्क। और एक्ने इससे बिल्कुल ही, अगर आप लगाते हैं फेस्टिवल सीजन से, मतलब अभी टाइम है तो आप लगाइए इसको, और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है आपकी, तो आपकी इससे सॉर्ट आउट हो जाएगी, आप यूज़ करिए इसे। तो इसमें सिर्फ आपको हनी चाहिए और एक इंग्रेडिएंट और चाहिए, वो है सिनेमन पाउडर। तो सिनेमन पाउडर आपको ले लेना है। एक्ने के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है सिनेमन पाउडर और हनी। हनी में एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल इन्फेक्शन के लिए होता है ये हनी। तो इस तरह से आपको बना लेना है और अपने फेस पर अप्लाई करना है। आप इसको रोज़ बना सकते हैं, लेकिन आपको फ्रेश ही बनाना है, आप इसको बनाकर नहीं रखना है आपको, बस आप इसको रोज़ बना लीजिए और अप्लाई कर लीजिए। 10 मिनट्स या 15 मिनट्स के लिए आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, और नाइट में इसको लगाइए आप, तो ज़्यादा बेनिफिट देगा आपको। तो चलिए देखते हैं इसको यूज़ कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, इसको अप्लाई कर लेना है आपको 10 मिनट्स के लिए, और अगर आपको हनी सूट नहीं करता है तो आप एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हो इसके लिए, या फिर आप कोई भी जेल यूज़ कर सकते हो। पर्पल पर बहुत सारे जेल आते हैं, तो आप उनका भी यूज़ कर सकते हो। सिर्फ आपको मेन से इसका जो है सिनेमन, और वो बहुत ही अच्छा वर्क करता है एक्ने पिंपल्स पर। आप इसको पूरे फेस पर भी अप्लाई कर सकते हो, और या फिर आप चाहें तो आप सिर्फ जहाँ जहाँ आपको एक्ने है तो वहाँ पर आप अप्लाई कर लीजिए, लेकिन मैं इसको पूरे फेस पर ही अप्लाई कर लूँगी, और हल्की सी पतली सी लेयर बना लेनी है। तो आपकी जितनी भी डार्क स्पॉट्स होंगे, आपके एक्ने के निशान वगैरह होंगे, आपकी जो स्कार्स वगैरह होने वाले हो रहे हैं या हैं पहले से, तो वो भी कम हो जाएंगे, और आपकी स्किन एकदम स्मूथ और ग्लोई नज़र आएगी, और जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो भी कम हो जाएगी एक्ने की। तो ये एक्ने प्रोन वालों के लिए बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स। तो मुझे तो एक्ने नहीं है, और ना ही मुझे पिंपल्स प्रॉब्लम कभी बहुत ही कम होती है, वैसे तो मुझे होती नहीं क्योंकि मेरी नॉर्मल की ड्राई स्किन है, तो आप इसको डेली यूज़ कर सकते हो। आप बस फ्रेश बनाना है आपको, और क्लीन फेस पर आपको लगा लेना है। सबसे बेस्ट है कि आप इसको रात में लगाइए और 10 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए, और जहाँ जहाँ है मैं वहीं लगा ले रही हूँ। मैंने थोड़ा ही बनाया है क्योंकि मुझे इसे पतली सी लेयर लगानी है, और बस 10 मिनट्स या 15 मिनट्स के लिए आप छोड़ सकते हो।
तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे 10 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसको वॉश कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने फेस को वॉश कर लिया है, एकदम क्लीन हो गया है मेरा फेस, और मैंने इसको थोड़ा सा हल्का हल्का सा स्क्रब भी कर लिया था, तो मेरे जितने भी ब्लैक हेड्स वगैरह हल्के फुल्के थे वो निकल गए हैं, और मेरी जो नोज़ है बिल्कुल क्लीन हो गई है, बिल्कुल भी जैसे दिखते हैं ना ऐसे ऐसा खुरदुरापन रहता है वो बिल्कुल भी नहीं है, एकदम क्लीन है मेरा फेस। सिर्फ आपको वाटर के साथ ही धोना है, नॉर्मल वाटर जो आता है प्लेन वाटर, और फिर आपको ऐसे ही छोड़ देना है, और आप इस पर मॉइस्चराइज़र कोई भी मॉइस्चर लगा लीजिए आप, और टोनर लगाइए पहले, उसके बाद मॉइस्चर कीजिए अपने फेस को, और फिर ऐसे ही छोड़ दीजिए, और नाइट में इसको लगाएंगे तो आपको डेफिनेटली फ़र्क मिलेगा। आप इसको हमेशा डेली इसमें रोज़ लगाइए तो आपको फ़र्क मिलेगा, और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको इससे क्या रिज़ल्ट मिला, और आप इसको रोज़ ही डेली बेसिस पर अभी आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी फेस्टिवल सीज़न आने वाला है, मतलब आ चुका है, तो आप अभी से स्टार्ट करेंगे ना तो डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आप इसको यूज़ करते रहिए, अभी से स्टार्ट करेंगे, और जब आप फेस पर जब मेकअप अप्लाई करेंगे ना तो आपका फेस एकदम क्लीन और बहुत ही खूबसूरत लगेगा, तो इसलिए अभी से स्टार्ट कर दीजिए, और आप डेली लगाइए, रोज़ लगाइए नाइट में। और ये देखिए मुझे यहाँ पर कितना शाइनी शाइनी हो रहा है, मेरा फेस एकदम क्लीन है, ये मैंने टोनर वगैरह कुछ भी नहीं अप्लाई किया, आपके सामने ही मैंने दिखाया है, मैट था मेरा फेस, तो अभी इसको ड्राई किया है, तो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देख लिया है कि मैंने इसको किस तरह से बनाया है और किस तरह से यूज़ किया है फ्रेंड्स, और आपको क्लीन फेस पर लगाना है, और डेली आप इसको नाइट में लगाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा फ्रेंड्स, और ये इतना अच्छा रिजल्ट देता है कि आपकी स्किन एकदम से इवन टोन हो जाएगी, मतलब अगर आपकी स्किन पर थोड़े से भी ब्लैक ब्लैक है कहीं कहीं तो आपकी स्किन अच्छे से वर्क करेगी, और अभी आपकी एज, आप किसी भी एज ग्रुप के हों कोई मैटर नहीं करता, आप इसको अगर आपको जब कभी भी अभी से शुरू हो रहे हैं 17 से शुरू हो ही जाते हैं, मोस्टली 15 से ही शुरू हो जाते हैं एक्ने, मतलब पिंपल्स आना, तो पिंपल्स पर ये अप्लाई कर सकते हो फ्रेंड्स, और अगर आप लोगों को ये नहीं सूट करता है हनी, तो आप एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हो, या फिर आप पपाया जेल या कुकम्बर जेल, आप कोई भी जेल यूज़ कर सकते हो इसके लिए, क्योंकि बस इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स है सिनेमन, मतलब कि दालचीनी पाउडर, दालचीनी पाउडर बहुत ही अच्छा काम करता है आपकी स्किन के लिए, बहुत ही अच्छा काम करता है, तो आप लोगों को ये ज़रूर बना लेना है, और अपने यूज़ करिए, रोज़ करिए, डेली बेसिस पर करिए, और मेरा ये मेकअप लुक आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स, और प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए, प्लीज़ मुझे भर भर के कमेंट करिए आप और किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं, तो मुझे ये भी इम्पोर्टेंट था ये वाला वीडियो शूट करना, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम है नवरात्रि आने में, और उसके बाद मेरे को लगे हुए हैं जो फिर दिवाली आएगी, दिवाली का भी शॉपिंग वगैरह, और फिर टाइम नहीं मिलेगा अपनी स्किन केयर करने के लिए, तो आप इसको रोज़ डेली भी यूज़ कर सकते हो, तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपको। तो फ्रेंड्स, चलिए आप लोगों को ये अच्छा लगा है, थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को, और जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे तो बेल आइकन आएगा, बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, और जैसे ही आप हिट करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा न्यू वीडियो का, तो आप उसको भी देख पाएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए फटाफट से मैं चलती हूँ, और कितना बड़ा हो गया है मैंने जानते, ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ होगा ये वीडियो, क्योंकि मैंने छोटा ही बनाया है, और फ्रेंड्स आप लोग को गिव अवे चल रहा है, तो आप बताइएगा कि आपने कितने लोगों ने किया है इसमें पार्टिसिपेट लिया है, वो तो मैं देख ही रही हूँ, लेकिन अगर अभी भी आप लोग करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हो, कमेंट करिए, मेरे वीडियोस को आप वॉच कीजिए, और मुझे सब्सक्राइब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो चलिए बाय बाय।